हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। अभी इस सब्ज़ी को हम ज़्यादातर ढाबा में और रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते हैं, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप इसे घर पे बनाएंगे ना तो आप ढाबा और रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो मिक्स वेज सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए सब्ज़ियाँ। तो यहाँ मैंने ली है गाजर, गोभी, प्याज, पनीर, शिमला मिर्च, आलू और साथ में मैंने मटर भी लिए हैं, वो मैं आगे यूज़ करूँगी। तो सब्जियाँ आपको जो भी पसंद हो ना, आप वो यहाँ ले सकते हैं, और जो इनमें से नहीं पसंद हो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इन सब्जियों को हमें फ्राई करना है, पर अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक बार हम ऑयल को बिल्कुल अच्छा सा गर्म कर लेंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर पहले हम डालेंगे आलू, और इन आलुओं को हाई फ्लेम पर ही हमें हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करना है, बस इतना करना है कि इनके ऊपर हल्की सी आपको लेयर नजर आनी शुरू हो जाए। बस जैसे अभी हल्के हल्के से यहाँ ये ब्राउन हो गए हैं, तो बस इसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसमें डालेंगे गोभी और गाजर, और इन्हें भी हाई फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो सब्जियों को फ्राई करते समय फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि इनका कलर हमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देना है, नहीं तो फिर खाने में इनका कड़वा टेस्ट आएगा। तो बस जब हल्की हल्की से आपको फ्राई नजर आनी शुरू हो जाए, बस उसी स्टेज पर आप इन्हें निकाल लें। तो इधर गाजर और गोभी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए, इसे भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे, और इन्हें भी हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप सोच भी रहे होंगे कि ये सारी सब्जियां हम एक साथ भी तो फ्राई कर सकते हैं ना, अलग अलग फ्राई करने की क्या ज़रूरत है। पर आपको पता ही है कि हमने जितनी भी सब्जियाँ ली है उन सबका अपना एक कुकिंग टाइम है, कोई थोड़ी जल्दी पक जाती है और कोई थोड़ी लेट पकती है, तो उससे सब्जी का जो टेस्ट होता है ना वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगा। वैसे फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इधर हमारी शिमला मिर्च और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया, इसे भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे पनीर, और इस पनीर को हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। जब हल्के हल्के से इसके किनारे ब्राउन नजर आने शुरू हो जाए, बस उसी स्टेज तक इसको हमें फ्राई करना है। तो जैसे अभी आप देख भी रहे हैं, पनीर बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब ये जो तेल है इसको हम निकाल देंगे, और इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल हमें बचा के रखना है चौंक के लिए। तो अभी ये तेल बिल्कुल गर्म है, तो गर्म तेल के अंदर ही इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और साथ में ही डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च और अदरक। तो मैंने यहाँ 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, और 3 से 4 हरी मिर्ची ली हैं। बस इन्हें धीमी आंच पे हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि इसमें हम आगे जो मसाले डालेंगे वो जले ना, इसलिए इसी स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी हमें ज़रूर डालना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्ज़ी में कलर बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1 छोटी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तीखापन आप अपने परिवार के टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें। अब हमारी जो सब्ज़ी है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ढाबा जैसी बने, उसके लिए इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीज़ें अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को धीमी आँच पर हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद धीमी आँच पर ही इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम अच्छे से कुक करेंगे, ताकि जो ये मसाले वगैरह है वो बढ़िया से कुक हो जाए और ऑयल को बिल्कुल सेपरेट कर दें। तो इस स्टेज पे फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमने पानी वगैरह तो डाला नहीं है, तो इसलिए इसको लगातार आप चलाते ज़रूर रहिएगा। तो जैसे आप देख भी रहे हैं फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, इन्होंने पूरी तरीके से ऑयल को सेपरेट कर दिया। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे काजू का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ करीबन 8 से 10 काजू लिए थे, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर उसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया था। तो काजू का पेस्ट ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी, तो मैंने यहाँ देसी टमाटर यूज़ किए हैं। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे करीबन 2-3 मिनट के लिए हम मीडियम आँच पर पका लेंगे, ताकि जो टमाटर वगैरह हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएँ। तो इधर हमारे टमाटर बिल्कुल बढ़िया से कुक हो गए हैं, तो बस अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप मटर। तो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ताज़ा वाले मटर लिए हैं, और मैंने इनको फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। जब हमने सारी सब्जियों को फ्राई किया था ना, उसी स्टेज पे आप इसे भी फ्राई कर लें।
तो बस मटर डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे वो सब्जियां जो हमने फ्राई की हैं, और बस बिल्कुल हल्के हाथों से अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी थोड़ी सी सूखी होती है इसलिए मैं यहाँ पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप ग्रेवी करना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप आधा कप तक पानी डाल सकते हैं। बस बढ़िया से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन लगाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती। बस बीच बीच में आप थोड़ा बहुत इसको चलाते ज़रूर रहिएगा क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है तो सब्जियों का थोड़ा सा जलने का डर रहेगा। तो इधर मैंने सब्जी को करीबन 10 से 12 मिनट कुक कर लिया है और सब्जी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। बस लास्ट में अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्टेज पर गर्म मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस ये हमारी मिक्स वेज सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देख लिया बनाना कितना आसान है इसको, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इस सब्जी को आप रोटी पूरी नान पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये सिंपल सी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।